आज हमारे पास क्या कंडीशन मालूम आपको, जो जितनी ज्यादा मशहूर है नौजवान बड़ा चलता, जितनी ज्यादा मशहूर है उतना ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है उसके। हालांकि पता नहीं कितनों से वो करके बोलता छीन के लूंगा बड़ा तेरे से तो लेके रहूंगा, फिर शादी को बताता हो देख तेरे साथ थी ना मेरे साथ। अरे क्या जहनीयत है ये, घटिया, क्या घटिया जहनीयत है, याद रखो। मतलब आप थोड़ा सोचो, थोड़ा गौर करो, ये गलत चीजें देखने का नतीजा कैसा होगा इंसान। इस्लाम बोल रहा पाक दामन हो और हमको तो वही चाहिए जो सब जगह दामन झाड़ते घूम रही अपना। समझो बात को, समझो मेरे भाइयों, बड़ा अहम है मसला ये। पाक दामन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है और कहता है निकाह के ताल्लुक से जब औरतों को चुनो तो कुछ बातें कंडीशनल इस्लाम बता दो, जैसा बाईमान हो, हदीस में आ गया दीनदारी को तरजीह दो। अब तीसरी कंडीशन देखिए क्या कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है और कहता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 25 का एक हिस्सा है, एक उसका टुकड़ा याद रखिए, बड़ी आयत है उसका एक छोटा हिस्सा। अल्लाह फरमाता है और कहता है अफीफा हो, पाक दामन हो, ठीक है पहला। दूसरा फरमाया हो, और फिर फरमाया गैर मुसाफिहतिन, और फरमाया ना खुल्लम खुल्ला बदकारियां करने वाली हो, किसी की छुपी है और उसने धोखा दिया एक अलग बात है, ना खुल्लम खुल्ला बदकारियां करने वाली हो, मुंह काला करने वाली हो। हा? और हमारे पास तो मामला ये क्या ऐसी ज्यादा पसंद आती है लोगों। तीसरा फरमा आगे अल्लाह फरमाता और कहता वला मुत्तखिजातिन अखदान, और ना जो है दर पर्दा याराना गांठने वाली हो, पर्दे के पीछे से आशिकियां ना करने वाली हो। कंडीशन देखिए कैसी लगाई जा रही, पहली कंडीशन बोली अफीफा हो, पाक दामन हो, कोई भी ऐसा काम ना किया हो जो शादी की बात किया जाता है। दूसरी कंडीशन इस्लाम दे रहा खुल्लम खुल्ला बदकारियां ना करने वाली हो, एक तो है कि पाक हो लेकिन खुल्लम खुल्ला कर रही उसको कैसे आप चॉइस कर सकते हो, और थर्ड फरमाया ऐसी भी ना हो कि जो पर्दे की आड़ से जो है इश्क मिजाजिया कर रही हो, डोरे डालती हो, ऐसी भी ना हो। और हमारे पास ये है कि हम खुद वही अमल करके लाना चाहते जिसे इस्लाम मना कर रहा, तो औरत से आप अगर लड़की से अफेयर कर रहे हैं तो वो पर्दे के आड़ से आशिकियां करने वाली हो गई नहीं हो गई, और आप भी वही हो गए ना, मतलब कोई एक्सेप्शनल नहीं आप भी। तो मैं एक तरफ दोष नहीं देता हूँ कि लड़कियां आशिकियां कर रही है, किससे कर रही है, फरिश्तों से, जिन्हों से, किससे कर रही है, इब्ने आदम से, लड़कों से ही कर रहे हैं, तो लड़के कर रहे हैं गलत। शिकारी जाल बिछा रहा है, चुड़िया उसमें अटक गई, किसको ब्लेम करेंगे, चुड़िया को, शिकारी को, शिकारी को ना, तो वहां पर चुड़िया को ब्लेम करते, लड़कियां अफेयर कर रही, लड़कियां भाग के जा रही, लड़कियां भाग के शादी करी, किससे कर रही, लड़के भगा के ले जा रहे, लड़के भगा के शादी करे, लड़के ये काम करे तभी लड़कियां, शिकारी जाल डालता है तो चुड़िया फंसती, याद रख, समझ गए, लड़के करते हैं हरकत, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं इधर, लेकिन कंडीशन पाक दामन हो, बदकारियां खुल्लम खुल्ला करने वालियां ना हो, ठीक है, छुपकर जो है इश्क मिजाजियां करने वाली, पर्दे के पीछे से याराना कायम करने वाली ना हो, ये कंडीशन इस्लाम।